नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश और दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि अब राज्य स्तर पर इस पर काम होना शुरू हो गया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार ने तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर सख्त एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि बिहार सरकार ने भी शादी ब्याह में 100 लोगों के आने की बात कह दी है। जिस तरीके से यूपी में इस तरह की अनाउंसमेंट की गई थी, इसके अलावा मास्क लगाना कंपलसरी हो गया है और भी तमाम तरह की गाइडलाइंस बिहार में जारी की गई हैं, जिसके तहत शादी में बैंड बाजे पर भी प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई थी। और देखिए, जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसका असर विधानसभा के आखिरी दिन भी सदन में देखने को मिला। दरअसल यहां पर विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर काफी बार बोला गया, जो वहां पर बैठे हुए थे सदस्य, उनसे कई बार उनको ये अल्टीमेटम दिया गया कि भाई आप मास्क पहन लीजिए और मास्क पहनकर अपनी बात रखिए। तो जब बार बार तेजस्वी यादव को ये चीज़ बोली गई तो उनको ये चीज़ काफ़ी अखर गई और थक हार कर उन्होंने एक बार खींचते हुए ये चीज़ बोल ही दी कि अजीब स्थिति है यार, फिजिकल डिस्टेंस में तो हम लोग बैठे हैं ना, आपने 12 फीट की दूरी पर हम सबको बैठाया हुआ है तो फिर मास्क की क्या जरूरत है। दरअसल उनको स्पीकर ने बार बार ये चीज बोली थी कि आप मास्क पहन लीजिए और जब वो नहीं पहन रहे थे तो उनसे ये तक कह दिया गया कि आप मास्क दिखाइए, आपके पास है भी या फिर नहीं। तो जब तेजस्वी यादव ने जेब से अपना मास्क निकाल कर दिखा दिया और जब उन्होंने खींचते हुए कहा कि आपने डिस्टेंस तो मेंटेन किया हुआ है ना, तो फिर आप इस तरह से बार बार क्यों कह रहे हैं। तो इस पर स्पीकर ने कहा कि आपसे खतरा नहीं है, जो आपके बराबर में बैठे हैं ललित यादव, हम तो उनसे कह रहे हैं। मतलब कि मजाक के तर्ज पर स्पीकर ने बात को संभाला, लेकिन तेजस्वी यादव थोड़ा सा खींच गए और वो इस तरीके से मास्क ना पहनने को तैयार होते हुए दिखाई दिए। बहरहाल इन सब के बीच पहन लिया बाद में उन्होंने मास्क, और ये भी बार बार स्पीकर ने कहा, बाकी सदस्यों को भी उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी दूरी पर बैठे हैं, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में किस तरीके से गाइडलाइंस को जमीनी स्तर पर फॉलो करवाने की कवायद सरकार कर रही है। और जाहिर तौर पर अब ये लोगों की भी, नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि राज्य में कोरोना की स्थिति को ज्यादा विभत्स ना बनाया जाए और जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम हो सकता है उसको किया जाए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय हमें जरूर बताइएगा।